तीज उसको करते थे वो बुरा लगता था कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो, तुम अभी तक क्या कर रहे हो, अरे यार क्या कर रहे हो, उसका बाप जानेगा हम वो जानेगा, आपको क्यों तकलीफ है। यहाँ लोगों को ज्यादा तकलीफ होती थी होती है कि तुम अब क्या कर रहे हो, तुम क्या करो, उसको टीज लोग करते थे, जिसके चलते वो भोपाल चला गया। उसको नंबर नहीं दिया हम लोग, बहुत अफसोस होता है हमको। मतलब बिहार बीपीएससी में 689 पदों के लिए भर्ती आई थी, जिसमें से 685 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और मैं अभी जिसने पूरे बिहार भर में पांचवा रैंक हासिल किया है पटना के सिद्धांत कुमार, मैं उनके घर में उनके माता पिता के सामने हूं। ये माता जी हैं उनकी और ये पिताजी हैं। सबसे पहले आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने लोगों के फोन अब तक आ चुके हैं? बहुत सारे लोग, अपने लोग हैं, सब लोग, बहुत फोन, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबके, सब सब लोग कहते थे पहले कि बेटा तो कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा ऐसी लोगों की धारणा थी पहले? कोई कोई कहते थे, हंसने वाले भी हंसते हैं, अच्छे वाले लोग भी हैं। लोग कहते थे कि नहीं, मतलब ऐसा बीपीएससी यूपीएससी मटेरियल नहीं है आपका बेटा, ऐसा लोग कहते थे? एकदम कहते थे, कहते थे केवल भोपाल पटना करते रह जाएगा, कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, ऐसा लोग कहते थे। कौन थे वो लोग? पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे? पड़ोसी कौन थे? रिश्तेदार कभी नहीं बोले, पड़ोसी थे, पड़ोसी लोग। तो अब उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा मार दिया है आपके बेटे ने, क्या कहना चाहिएगा इस पे? अब वो लोग तो खुद देखेगा ना, सूरज उगता सूरज को सब कोई देखता, देखेगा, खुद जानेगा। आपको उम्मीद थी कि आपका बेटा मतलब पांचवें रैंक पे आ पाएगा? इससे भी ऊपर का मेरा तो उम्मीद था कि टॉप करेगा वो लड़का, क्योंकि यूपीएससी से वो लौट के आया था। यूपीएससी में कहां तक पहुंचे थे? इंटरव्यू देते समय उसको 18 मार्च की बात है, 18 मार्च को उसी दिन कोरोना के चलते यूपीएससी बंद हो गई थी, ये इसका लास्ट इंटरव्यू था। उस समय उसके चेयरमैन ने कहा था कि मैं नंबर दूंगा, मेरी वाइफ को कोरोना हो गया है और उस बच्चे को विदा कर दिया गया, लेकिन नंबर नहीं, उसको नंबर नहीं दिया हम लोग, बहुत अफसोस होता है हमको। मतलब आपका बेटा, आपको लग रहा था कि डीएम मटेरियल था, लेकिन आज अगर इस जगह पे है तो भी आप संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि जो जिस काबिलियत वो था वो, उस काबिलियत उसे वो चीज हासिल नहीं हो पाया। बहुत काबिल लड़का। अभी कहाँ रह के पढ़ाई करते हैं? भोपाल, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं। माहौल अच्छा नहीं है यहाँ पे? क्या दिक्कत है यहाँ पे? सब उसके पूछते हैं कि अभी तक बैठा हुआ है तुम। कितनी उम्र हो गई है आपके बेटे की? 25 होगा। तो 25 साल तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 29-30 साल पे तो शादी हो रही है आजकल, तो फिर क्या दिक्कत है? अब वो तो पड़ोसी लोग जाने ना, तो पड़ोसी जानेंगे ना, हम क्या बोले। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, सबकी शिकायत होती है अपने पड़ोसियों से और अपने माहौल से। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें लगता है कि पटना बेहतर है, जो लोग पटना रहते हैं उन्हें पटना खराब लगता है, दिल्ली सही लगता है, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें दिल्ली सही नहीं लगता है, उन्हें अमेरिका सही लगता है, तो इस पे क्या कहिएगा? नहीं ऐसा नहीं, यहाँ भी बहुत अच्छा। नहीं तो आपने कहा ना कि माहौल, लेकिन यहाँ का अगल बगल में लोग जो टीज उसको करते थे वो बुरा लगता था कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो, तुम अभी तक क्या कर रहे हो, अरे यार क्या कर रहे हो, उसका बाप जानेगा हम वो जानेगा, आपको क्यों तकलीफ है। यहाँ लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है कि तुम अब क्या कर रहे हो, तुम क्या करो, उसको टीज लोग करते थे, जिसके चलते वो भोपाल चला गया। अच्छा, मतलब सेल्फ स्टडी ही करते थे लेकिन भोपाल चले गए वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के माहौल से दूर रहने के लिए। जी देखिए, ये एक पिता की सिर्फ इमोशनल बात नहीं है, ये आज के समाज की हकीकत है कि ज्यादातर लड़के चाहते हुए भी अपने गांव से दूर इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि समाज उन्हें ताना मार मार के जीने नहीं दे रहा। अगर समाज माता पिता की निगाह से अपने बेटे को और अपने आस पड़ोस के लड़के को देखने लग जाए तो शायद जिंदगी बेहद आसान हो जाती। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं माता जी? जी सही कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहिएगा इस पर? ये हमारी भी टीज है, ये सिर्फ आपके बेटे की टीस नहीं है, जितने युवा है ना सबकी टीस है, जो पढ़ाई कर रहा है वो, जो स्ट्रगल कर रहा है वो, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो, सबकी। अच्छा करने दीजिए वो लोग के, लेकिन वो अपने तो बन गया, अपने बन गया, अब खुश हो गया, अब मम्मी पापा भी हम लोग खुश हैं। खुश है आप लोग? खुश है, बहुत खुश है। लेकिन इसका पड़ाव ये नहीं है, इसका और दूर का पड़ाव है, ये यहाँ रुकेगा नहीं लड़का, फिर से यूपीएससी का पेपर देना है। देना चाहिए, देना हम चाहिए। कैसे बोले? तो उनकी क्या प्लानिंग है? आप लोगों की तो बात हुई होगी, क्या प्लानिंग है उनकी? भी यही करेगा।
मतलब ये नौकरी ले लेंगे और इसके बाद आगे तैयारी करते हैं। तैयारी करेंगे ये अपने आगे बढ़ जाएं। अच्छा पढ़ाई कैसे हुई थी स्टार्टिंग से? यही पढ़ा था, वो डीएवी में ही एडमिशन हुआ था कुमरार में, डी ए वी थी उसमें। तो वहाँ के बाद नाइन्थ में इतना तेज था कि वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला कि ये लड़का यहाँ नहीं पढ़ने लायक है, वो खुद मैं ट्रांसफर अपने से ट्रांसफर इसको हम बीएसएबी राजवंशी नगर कर दे रहे। अच्छा, डीएवी पब्लिक स्कूल जी, वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला कि ये यहाँ से ज्यादा मैंने यहाँ पढ़ने लायक ये नहीं लड़का, इस तेज है, इसको वहाँ एडमिशन, जो कि वहाँ एडमिशन होता नहीं था। अच्छा, ऐसे नॉर्मली उस समय नहीं होता था वहाँ एडमिशन, तो उन्होंने रिकमेंड करके इसको वहाँ पे भेज दिया था बीएसईबी में, वहाँ वो जाकर पढ़ा था। वहाँ से पढ़ने के बाद ये क्यूसेट निकाला, क्यूसेट निकाल के ये चला गया केरला और वहीं पे 4 साल स्टडी किया, वहाँ भी डिस्टिंक्शन लेके आया वो लड़का, और फिर अपना यूपीएससी का तैयारी किया। यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच गया इंटरव्यू तक, इंटरव्यू। अच्छा, यूपीएससी में भी पहली बार इंटरव्यू तक पहुंच गए थे और बीपीएससी में भी पहली बार ही पहुंच गए जी। जब यूपीएससी में वहां नंबर नहीं मिला उसको बहुत ठेस लगा, तो उसने सोचा कि पहले हम नौकरी ले लेते हैं फिर कुछ सोचेंगे, तो वही नौकरी के चलते फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट लिया, फर्स्ट टाइम इसका 5वां रैंक आया। अच्छा, आप उम्मीद कर रहे थे आपका बेटा पहली रैंक पे आ जाए, टॉप करेगा? हमको भी यही था कि पेपर में पहला नंबर उसी का होना चाहिए, पहले पेपर पे नाम उसका होना चाहिए, तो मेरी उस लायक हम उसको बनाए थे। लेकिन कहीं जब कुछ कर गुजरने की जिद होती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और ये इनके बेटे ने साबित करके दिखा दिया, क्योंकि ना तो ये बहुत धनी घर के लोग हैं और ना ही इनके पास इतना पैसा है कि बहुत बेहतर कॉलेज या बहुत बेहतर संस्थान में पढ़ा सकें। एक साधारण हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और इस छोटे से कमरे में रेंट पे रहते हैं, और हार्डवेयर की एक नॉर्मल सी दुकान चलाते हैं, और इनके बेटे ने आज तक बीपीएससी की तैयारी के दौरान एक भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, नहीं कर रहे थे किसी कोचिंग वगैरह पढ़ाई, यूपीएससी में भी कभी कोचिंग उसने नहीं, यूपीएससी में भी नहीं लिया, और बिना कोचिंग के वो उन्होंने जो है इंटरव्यू तक क्वालिफाई कर गए थे, और इसमें भी कभी कोचिंग का सहारा उसने, तो कोचिंग आप लोगों ने क्यों नहीं करवाया? इतना चार्ज है कि हम नहीं दे पाते। सही बात है, ये चार्ज की वजह से आप लोगों ने कोचिंग नहीं करवाया जी, चार्ज की वजह से कोचिंग नहीं करवाया। दुकान से कितना आप लोग कमा लेते हैं? खाने पीने भर कमा लेते हैं, बच्चों सबको हो जाता है पढ़ाई लिखाई, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाता है। कितने बच्चे हैं? 2 लड़की 1 लड़का। वो 2 लड़की आप क्या करती हैं? दोनों लड़की की शादी हो गया, भोपाल में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए इसीलिए हमने कहा कि एक साधारण सी हार्डवेयर की दुकान चला के और इनके बेटे ने एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया, जबकि आज की हकीकत यह है कि जिन्हें कुछ करना नहीं होता है वो अपने असफलता का ठिकरा अपने परिवार वालों पे फोड़ देते हैं, हमारे माँ ने वो नहीं किया, हमारे पिताजी वो नहीं करा पाए, इसलिए हम ये नहीं कर पाए। लेकिन ये लोग एक मिसाल है इस बात की और इस चीज की।